ऐसी बीमारी हमें नहीं चाहिए। एक कोरोना से तो मुश्किल से छुटकारा मिला, अब आपसे भी छुटकारा मिल जाए हमेशा हमेशा के लिए, यही हम सब चाहते हैं। 2047 तक बनने का जो मोदी जी ने वादा किया है वो सब जानते हैं, सिर्फ मोदी जी हैं जो वो वादा पूरा कर सकते हैं, कांग्रेस में वो कुछ भी नहीं। आज हमारे जिन्होंने मेरे सामने चुनाव लड़ा था सीताराम अग्रवाल जी, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके साथ बहुत सारे पार्षद जुड़े हैं। 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। ऐसी बीमारी हमें नहीं चाहिए। एक कोरोना से तो मुश्किल से छुटकारा मिला, अब आपसे भी छुटकारा मिल जाए हमेशा हमेशा के लिए, यही हम सब चाहते हैं। आज हमारे जिन्होंने मेरे सामने चुनाव लड़ा था सीताराम अग्रवाल जी, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके साथ बहुत सारे पार्षद जुड़े हैं, बहुत सारे उनके मंडल अध्यक्ष आए हैं पार्टी में, तो एक तरह से पूरी तरह से विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस मुक्त बन गया। 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी और हमारा जो कार्यकर्ता है वो बहुत मजबूत है। हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ की जो टीम है, पन्ना प्रमुख है, वो पूरी तरह से लगे हुए हैं, घर घर जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आप देखिएगा कि हम लोग पिछली बार से भी ज्यादा अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। कांग्रेस को कोरोना आपने बताया, तुलना की है, किस तरह कोरोना देखिए, क्योंकि देश को उन्होंने गरीब ही रखा, बात की गरीबी हटाओ लेकिन ज्यादा गरीबी बढ़ी जब उनका कार्यकाल था, और इन 10 सालों में भारत भी पूरी 5वीं सबसे मजबूत व्यवस्था बनी है पूरे विश्व में, और आगे मोदी जी ने गारंटी ली है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में तीसरी सबसे बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, एजुकेशन की जो पहले जिस तरह से एजुकेशन की नीति होती थी उसको इम्प्रूव किया गया है, कानून व्यवस्था ज़्यादा अच्छी हुई है, हर प्रकार से जो एक डेवलप्ड नेशन में होना चाहिए उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, और एक विकसित भारत 2047 तक बनने का जो मोदी जी ने वादा किया है वो सब जानते हैं, सिर्फ मोदी जी हैं जो वो वादा पूरा कर सकते हैं, कांग्रेस में वो कुछ भी नहीं।